एबीपीएस न्यूज़। आगे बढ़ते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव ब्लॉक छजलैट स्थित मेहंदी सिकंदरपुर पड़ा। लगभग 2800 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 4 किलोमीटर ही है। वर्तमान समय में योगेश चौधरी ने इस गाँव की कमान प्रधान बनकर संभाल रखी है। उन्होंने बताया कि उनके गाँव में कुल वोटरों की संख्या लगभग 1600 है। प्रधान द्वारा गाँव में लगभग 35 हैंडपंप लगवाए गए हैं जिससे ग्रामीणों को पेयजल के लिए किसी भी तरीके की परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं उनके द्वारा 60 बिजली के पोल व 5 बिजली के ट्रांसफार्मर भी बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगवाए गए हैं। जब एबीपीएस न्यूज टीम ने प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों की समीक्षा की तो पाया कि उनके द्वारा 5 सड़कों का निर्माण कराया गया है, वहीं 71 शौचालयों का निर्माण करवाकर पात्रों को आवंटित भी किया जा चुका है जिससे गाँव को शौचमुक्त बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि उन्होंने स्कूल की मरम्मत का कार्य, टाइल समरसेबल का कार्य भी करवाया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके द्वारा 12 मकान बनवाए गए हैं और पात्रों को वितरित भी किए जा चुके हैं। एबीपीएस न्यूज टीम के माध्यम से ग्राम प्रधान ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उनके गांव में एक पानी की टंकी, सड़कें, अस्पताल, पंचायत भवन, पशु अस्पताल, आंगनवाड़ी केंद्र व नाले का निर्माण करवाएं जिससे ग्रामीणों को किसी भी तरीके की परेशानी से ना जूझना पड़े। वहीं ग्रामीणों ने एबीपीएस टीम से बात करते हुए बताया और प्रधान के कार्यों की समीक्षा की कि वर्तमान प्रधान बेहतर तरीके से कार्य करा रहे हैं। मैं ग्राम प्रधान योगेश कुमार, ग्राम पंचायत मेहंदी सिकंदरपुर, तहसील कांट, थाना छजलैट, ब्लॉक छजलैट, जिला मोरबात का हूँ। मैंने अपने गांव में जो विकास कार्य कराए हैं उनमें सड़कें हैं, नाले हैं, नाली हैं, शौचालय हैं और जो आगे को चाहते हैं जैसे पानी की पेयजल की बड़ी समस्या है, TDS यहाँ बहुत बढ़ा हुआ है, 1300 TDS है जिससे हमारे गांव के अंदर करीब 24 आदमी तो कैंसर से मर चुके हैं जिसमें मेरे फादर भी अभी मरे 22 सितंबर को कैंसर में और अभी काफ़ी लोग कैंसर से अभी ग्रसित हैं इस समय। अब ये सब पानी की समस्या से तो चाहते हैं कि टंकी का गांव में टंकी लग जाए जो नीचे बोरिंग होके जिससे समस्या का हल हो। और गांव में जो है कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, पशुओं के लिए कुछ अस्पताल नहीं है, पंचायत भवन नहीं है, कोई आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है और पानी की निकासी की बड़ी समस्या है जो नाले की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।